तो यहाँ गेम की शुरुआत होती है e4, e5 और f4 ओपनिंग के साथ, यानी कि किंग्स गैम्बिट यहाँ पर खेला गया है। तो अब ब्लैक यहाँ पर गैम्बिट को डिक्लाइन करते हुए d5 खेलता है, यानी कि यहाँ अब फाइवियर काउंटर गैम्बिट खेला गया है। तो वाइट d5 को e4 से कैप्चर कर लेता है और उसके बाद ब्लैक देखिए यहाँ पर f4 और d5 दोनों को ही इग्नोर करते हुए e4 खेलता है, और इसके बाद फिर वाइट के द्वारा यहाँ पर c4 खेला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं गेम कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ पर व्हाइट ने कैसल किया है, और अब यहाँ पर देखिए ब्लैक का जो नाइट है उसका e2 पर जाने का थ्रेट है, जहाँ से किंग को भी चेक होगा और साथ ही साथ क्वीन पर भी अटैक होगा। तो उसके बाद वाइट की क्वीन यहाँ पर जा सकती है। देखते हैं गेम में क्या होता है। यहाँ पर वाइट से देखिए ब्लंडर हो गया और उसने खेला है नाइट h2 और इसी के साथ उसका खेल खत्म, क्योंकि अब ब्लैक यहाँ पर खेलता है क्वीन g2 चेक एंड मेट। तो इस तरीके से व्हाइट का खेल खत्म हो गया, उसकी चेकमेट हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। देखिए इस पोजीशन पर बैक आते हैं और देखते हैं व्हाइट के लिए यहाँ बेस्ट मूव क्या था। व्हाइट के लिए यहाँ पर बेस्ट मूव था रुक e f2। तो अब इस पोजीशन पर आने के बाद अगर ब्लैक यहाँ पर खेलता नाइट e2, तो देखिए यहाँ पर किंग को चेक है और साथ ही साथ व्हाइट के क्वीन पर भी अटैक है। तो व्हाइट यहाँ पर अपने रुक से इस नाइट को कैप्चर कर लेता और उसके बाद ब्लैक फिर अपने रुक से इस रुक को कैप्चर करता, जिसके बाद फिर वाइट अपने क्वीन को f4 पर ला सकता था। और उसके बाद फिर ब्लैक यहाँ क्या करता, ब्लैक रुक f2 खेल कर किंग को चेक देता, तो वाइट का किंग h1 पर आ जाता। और इसके बाद अब देखिए यहाँ से अगर ब्लैक इस किंग को चेकमेट करने की कोशिश करेगा तो नाइट से उसकी रुक चली जाएगी या क्वीन चली जाएगी, क्योंकि g1 और h2 दोनों ही स्क्वायर नाइट से प्रोटेक्टेड है। तो अब यहाँ पर ब्लैक क्या करता, क्वीन को अपने क्वीन से कैप्चर कर लेता, जिसके बाद फिर वाइट अपने पॉन से इस क्वीन को कैप्चर करता और उसके बाद अब ब्लैक इस f4 को कैप्चर कर सकता था या फिर वह b2 को भी कैप्चर कर सकता था। तो इस तरीके से गेम अभी और आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ अभी वाइट की तुरंत चेकमेट नहीं होती, तो वाइट ने यहाँ पर ब्लंडर कर दिया और उसका खेल खत्म हो गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।